नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी मिर्चों के ऊपर ही रहेगा, जो कि हम अपने किचन गार्डन में लगाते हैं। और दोस्तों, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी और चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो उनकी मिर्ची है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रही है, या फूल भी बनते हैं तो झड़ जाते हैं, और या तो फूल बनते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैंने कई तरह की मिर्चें लगा रखी हैं, मोटी मिर्चें भी हैं और वो बारीक वाली जो तीखी मिर्च होती है वो भी हैं, ये अचार वाली हैं। और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट हैं ये, इनमें भी देखो कितनी बढ़िया मिर्चें आ रही हैं। और बिल्कुल दोस्तों, कहीं से मैं बीज नहीं लेके आई इनका, जो हमारे किचन में ही मिर्चें आती हैं किसी भी तरह की, तो सारी वही के वही हैं। ये शिमला मिर्च अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही तोड़ी थी, तो वो भी मैं दिखा नहीं पा रही, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, जैसे कि ये लगी हुई है ना, इतनी अच्छी लगी हुई थी वो भी। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों, हमारा मिर्चों पे रहेगा। मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी कि जिससे कि आपके मिर्चों के प्लांट भी हेल्दी बनेंगे, और बिल्कुल जब आपके प्लांट छोटे छोटे होंगे उन पर ही इस तरह से मिर्चें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपने जो भी सीड लेने हैं किसी भी मिर्च के जो आपकी किचन में आती हैं, तो दोस्तों जैसे मोटी मिर्चें हैं, अचार वाली मिर्चें हैं, और जो अपनी शिमला मिर्च हैं, वो तो डायरेक्टली आप गमले की मिट्टी में डाल दिया करो। और दूसरा दोस्तों, ये जो मैं छोटी मिर्चों वाले प्लांट दिखा रही हूँ, ये छोटी मिर्च का प्लांट है मेरा, इसमें आपने क्या करना है कि जो आपकी मिर्चें किचन में कई बार दोस्तों सूख जाती हैं, रेड हो जाती हैं और फिर रेड होकर ड्राई हो जाती हैं, तो बिल्कुल जो तेज़ वाली मिर्चें हैं, छोटे वाली मिर्चें हैं, उनको आपने सुखा के उसका बीज कहीं पे भी गमले में या क्यारी में, जहाँ भी आपने इसकी पोत तैयार करनी हो वहाँ पे इसको झाड़ देना है मिट्टी की गुड़ाई करके। और बिल्कुल ज़्यादा अंदर तक आपने बीज नहीं दबाना है। मिर्चों पे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, क्या अब तो उसमें और भी नई बातें शेयर करी हूँ, एक बार वो भी देख लेना। तो अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है वो मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसके इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि लोगों का किचन गार्डन से थोड़ा सा विश्वास ना उठ जाए और ये करना ना छोड़ दें। तो बिल्कुल मेरा मन कर रहा था कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी सी सब्जियां हैं, सिंपल सिंपल सी, जो कि हम अपने किचन से ही अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। पालक हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्ची होगी, है ना, ये हल्की हल्की सी चीज़ें हैं। और अब तो जो दोस्तों सब्जी में जैसे मेथी उगा लो, है ना, चुलाई वाली सब्जी उगा लो, और बहुत सा एक वो सोया का साग है वो उगा लो, है ना, वो भी अच्छा लगता है आलू के साथ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको उगा के हमें अच्छा भी लगता है, और दूसरा अपना हरियाली भी बनी रहती है, और जैसी हमें ज़रूरत होती है हम अपने किचन गार्डन में जाते हैं और बड़े शौक से वो चीज़ें तोड़ के लाते हैं। तो बस आपने करना कुछ नहीं है, चाहे आपकी छोटी मिर्चें हो या बड़ी मिर्चें हो, लगाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, बस हल्की सी मिट्टी गुड़ाई करनी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे मिट्टी कर देनी है, और एक जगह पहले आपने पोत तैयार कर लेनी है उसकी, और फिर आपने जब वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाए तब निकाल के कुछ दिन आपने शेड में रखनी है। फिर धीरे धीरे जैसे आपको लगने लग जाए कि हाँ अब ये सेट हो गई है, अब देखने से लग जा अपने आप पता लग जाता है दोस्तों, नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, और वो जो उसके जो पहले वाले पत्ते होते हैं वो बड़े करारे से नज़र आते हैं कि हाँ हम स्टैंड कर गए हैं, तो तब आपने थोड़ा थोड़ा उसको धूप में लाना शुरू करना है। और तीसरी बात दोस्तों, जो भी आपके मिर्चों वाले प्लांट हैं या आपके किचन गार्डन के कोई भी प्लांट हैं, मिट्टी आपने उनकी बहुत सुंदर तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है, अगर गोबर की खाद मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, कंपोस्ट होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के आपने मिट्टी तैयार करनी है, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो हार्ड भी ना हो और अच्छे से जो रूट हैं वो फैल भी पाएँ, और रूट दोस्तों ज़्यादा फैलेंगी तो ऊपर से हमारा प्लांट भी हेल्दी बनेगा। तो मिट्टी आपने इस तरह की तैयार करनी है, और दूसरा गोबर की खाद जैसे मैं बता रही हूँ वो मिला के तब आपने अपनी पौध को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना है। और जब आपने बीज बोने हैं तब आपने कोई खाद वगैरह नहीं मिलानी, सिंपल आपने सोयल में थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के अपनी पहले पौध तैयार करनी है। तो आपके दोस्तों कि हमारे मिर्चों को क्या पसंद है ताकि आपके फूल ना झड़ें, तो जो मैं ट्रिक हमेशा बताती हूँ, अगर दोस्तों मिर्चें आपकी लग नहीं रही हैं या फूल झड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 2-4 दाने DAP के डाल देना, 2-4 दानों से कुछ नहीं होता। कई बार दोस्तों एक्स्ट्रा भी न्यूट्रिएंट देने की अपने प्लांट को ज़रूरत होती है, तो 20-25 दिन में आप 2-4 दाने डाल दिया करो, फिर आपका जो फूल है वो झड़ेगा नहीं, और फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा,
और तीसरा दोस्तों, कई बार हमारी सोयल ऐसी होती है, अल्कलाइन होती है, वो न्यूट्रिएंट्स को जो भी हमारे मिट्टी में होते हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिरके का पानी या फिटकरी का पाउडर बना के पानी में घोल के थोड़ा सा अपने अंदाजे से लगा लिया करो दोस्तों। ग्राम ग्राम मैं भी नहीं नापती, मुझे भी बताने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अपने अंदाजे से पोट का साइज़ देख के, कुछ प्लांट छोटा होता है कुछ बड़ा होता है, पोट के साइज़ पे भी डिपेंड होता है। तो उस हिसाब से, मतलब ये समझ लो थोड़ी सी आपने खटास वाली सोयल बनानी है, तो उस हिसाब से अपनी समझ से बना लिया करो पानी। और बिल्कुल जो भी आपके फलों वाले फूलों वाले पौधे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया करो। इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो खटास से वाली हो जाएगी। और ये खटास वाली मिट्टी दोस्तों, चाहे वो सब्जी वाले फूल हों, चाहे वैसे फूल हों, आर्टिफिशियल नहीं, जो डेकोरेशन वाले फूल हम लगाते हैं, या मतलब जो फलों पे फूल आते हैं, सारे के सारे मतलब फूलों वाले जो पौधे हैं उनको थोड़ी सी एसिडिक सोइल पसंद होती है। और चौथी बात दोस्तों, जो हमारी मिर्चें आ जाएं उनको आपने फटाफट से उतार लेना है थोड़ी सी स्टेम के साथ, ताकि वहाँ से और नई नई ब्रांचें निकलें और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी हो। और दोस्तों इस वक्त क्या होता है, कई बार शाम को पानी देने से काले चेप्पे की बीमारी हो जाती है, जो तुलसा जी पे भी कई बार हो जाता है, वो काला काला सा अलसा लग जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या तो सरफ पानी में घोल के, सबसे ईजी तो सरफ ही है दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं लाइज़ोल नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल सरफ कोई पानी में घोल के हफ्ते में 2-3 बार स्प्रे मार दिया करो। तो उससे क्या होता है, वो झड़ जाता है, तेज़ से स्प्रे मारा करो तेज़ी के साथ। और जब जैसे ठंड का मौसम आ गया तो एक और चीज़ से दूर हट जाता है, ठंडा पानी लेके ना एकदम फ्रिज का, वो अगर आप मार दोगे, अगर आप सरफ वगैरह भी नहीं मारना चाहते तो उससे भी वो दूर हो जाता है। काफ़ी मतलब अच्छे पावर वाले स्प्रे से स्प्रे मारना है आपने, ताकि वो जो आपका वो जो भी पाउडर सा आया हुआ है प्लांट के ऊपर वो सारा हट जाए। और नहीं तो अपना दोस्तों जो लिक्विड सोप होता है वो यूज़ कर लें, उसको थोड़ा सा पानी में मिला के वो स्प्रे मार दें, या लाइज़ोल स्प्रे मार दें। और फिनाइल वगैरह मत मारना, कई लोग कहते हैं फिनाइल मार दें, ये मार दें, वो मार दें, तो वो बिल्कुल भी नहीं मारना आपने, क्योंकि प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं। और बस जो कह रही हूँ वो मार दें मैंने, क्योंकि दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके देख रखे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक प्लांट पे मैंने फिनाइल भी मार के देखा था और उसके सारे पत्ते ख़राब हो गए थे, तो वो तो एक्सपेरिमेंट आप करना मत। तो बिल्कुल दोस्तों मेरे यही तरीके हैं इन अच्छे अच्छे प्लांट को तैयार करने के। और बस थोड़ा सा आप पानी देने का ध्यान रखेंगे, सूरज की रोशनी का ध्यान रखेंगे, तो मेरा ख्याल है आपको कुछ भी मारने की या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जिनके प्लांट इन्फेक्टेड हो गए हैं या जिनकी मिर्च ना लगने की प्रॉब्लम है। मेरे साथ दोस्तों ऐसी अभी तक तो प्रॉब्लम आई नहीं है भगवान की दया से, लेकिन उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ हो गया तो उपाय भी पता है मेरे को। लेकिन अभी तक दोस्तों मेरी मिर्चों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना मैं इनको कुछ देती। बस जो मैंने अपनी मिट्टी तैयार करनी होती है गमलों की, वो मैं आपको बताती हूँ। पीछे वो आम के और नीम के पत्ते इकट्ठे होते हैं, वो मैंने पॉट प्रिपेयर करना आपको सिखा रखा है कैसे मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। और बिल्कुल दोस्तों वो सारा का सारा पीछे से ला के मैं पत्ते भर के गमले में, और उसके ऊपर अपनी गार्डन की सोयल, पीछे मेरे अच्छी सोयल है काफ़ी केचुए के खाद वाली, बहुत सारे केचुए हैं उसमें, तो वो मिला के और थोड़ी सी अपनी रेत मिला के वो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। तो फिर मुझे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे प्लांट बड़े आराम से चलते हैं। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आप अपने किचन में जो भी मिर्चें आए उगाएँ और बिल्कुल पूरी नॉलेज के साथ उगाएँ। मिर्चें क्या, कोई भी प्लांट हो, तो बस ये गार्डन के सुंदर सुंदर फूल दिखाते हुए जो भी गार्डन में लगे हुए हैं, उम्मीद है आपको सारी बातें इस प्लांट के बारे में समझ आ गई होगी, और अब तो ट्रीटमेंट भी है आपके पास। तो बिल्कुल अपने किचन गार्डन को अच्छे से तैयार करें, और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो हमारी पत्तियों की खाद होती है ना, सबसे बेस्ट होती है वो। कई बार दोस्तों खाद गर्म भी हो जाती है, हमारे पौधे भी बर्न हो जाते हैं कई बार इन गोबर की खाद वगैरह से, कई बार फुली डिकम्पोज नहीं होती, यूरिन वगैरह से जो अमोनिया बनता है उससे हमारी रूट्स भी जल जाती हैं। लेकिन जो दोस्तों पत्तियों की खाद होती है ना, वो इतनी हल्की होती है और दूसरा इतनी ठंडी होती है कि नीचे नीचे खाद भी बनती रहेगी, आपके प्लांट भी अच्छे से प्रोपेगेट करेंगे, और दूसरा चाहे आपके फूलों वाले पौधे हों, चाहे आपकी किचन गार्डन के हों, कैसे भी प्लांट हो, वो इतने सुंदर तैयार होंगे और बिल्कुल आपको बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों जो मैं नीम की पत्तियाँ डालती हूँ वो तो नेचुरली इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है, तो मेरी जो सोयल है वो पहले से ही ऐसी हो जाती है तैयार नीचे से खाद बन बन के, जैसे कि मैं बता रही हूँ, पहले नीचे मैं खूब सारे पत्ते भर देती हूँ, फिर ऊपर से मिट्टी डालती हूँ ना, वो नीचे पत्ते बैठते जाते हैं, फिर जो गैप बनता है पत्तियों का वो फिल करते जाते हैं, नीचे से अपनी खाद बन रही होती है।
तो मैं कभी कुछ ऐसा कुछ डालती नहीं हूँ। तो बस थोड़ा सा आप भी देखा करो, घर के आसपास पत्ते इकट्ठे हो रहे हों, या आपके घर में कोई भी प्लांट हो, उसके पत्ते हों, तो सारे के सारे पत्ते बहुत अच्छे होते हैं प्लांट के लिए। वो एक जगह इकट्ठा कर लिया करो, एक जगह बना के अपनी। तो मैं तो घर पीछे इकट्ठे करती रहती हूँ, मैं कभी नहीं जलाती दोस्तों उनको, एक पूरा ढेर बन जाता है मेरे पास पत्तों का। और जब भी मैं गमले बनाती हूँ तो सारे पत्ते मेरे काम आ जाते हैं। और कई बार दोस्तों नीम के पत्तियों की राख बनानी होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी प्लांट पे, तो थोड़े से मैं जला के उसकी राख बना के फिर पत्तों पे स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये मैं घर में छोटे छोटे से देसी काम करती रहती हूँ अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। और बस थोड़ा सा सबसे पहले तो दोस्तों देसी जुगाड़ की तरफ ही देखा करो, बाद में जाया करो बाहर की चीज़ों पे। घर से वैसे ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हो ही जाता है। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।